Hi friends, welcome back to my channel. Friends, in my today's video, I'm going to show you how you can curl your hair by using plastic rollers, which is look like this. तो ये जो पैक है इसमें 6 रोलर्स है, ये प्लास्टिक की है और मैंने इसे 60 रुपीज़ में परचेज़ किया है। ये डिफरेंट साइज़ में अवेलेबल है और ये सबसे बड़ी साइज़ है। इसे ओपन करके देखते हैं अब। ये देखिए, ये एक रोलर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहले हेयर को रोलर में रैप करके फिर इस लॉकर से लॉक करना पड़ता है। मैं ट्यूटोरियल में आपको दिखाऊंगी कि कैसे इसे यूज़ करना है। फ्रेंड्स, मैं पहले भी एक नो हिट कर्लिंग मेथड की वीडियो शेयर कर चुकी हूँ मेरी चैनल पर कि कैसे आप वेट वाइप से हेयर को कर्ल कर सकते हैं। बट फ्रेंड, उस प्रोसेस में एवरी टाइम आपको वेट वाइप्स परचेज करना पड़ेगा जिसकी प्राइस कम से कम 40-50 रुपीज़ होगी। मतलब जब भी आप हेयर कर्ल करना चाहेंगे आपको 50 रुपीज़ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बट ये रोलर मेथड में आपको बस वन टाइम 60 रुपीज़ इन्वेस्ट करना है और इस टूल से आप लाइफ टाइम जब भी चाहे हेयर कर्ल कर सकते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। नाउ लेट्स सी हाउ यू कैन यूज दिस। सबसे पहले हेयर को कॉम कर लेना है डिटेंगल करने के लिए। मैं सिर्फ एक साइड की हेयर को कर्ल करूंगी ताकि आप डिफरेंट को अच्छी तरह से देख पाए। तो हेयर को दोनों पार्ट में डिवाइड करके एक तरफ की हेयर को अच्छी तरह से कॉम कर रही हूँ। कॉम करने के बाद पीछे से एक सेक्शन सिलेक्ट करना है और उसे अच्छी तरह से डैम्प कर लेना है। डैम्प करने के लिए मैं वाटर को एक स्प्रे बॉटल की मदद से अप्लाई कर रही हूँ हेयर पर। हेयर को डैम्प करने के बाद अगेन कॉम कर लेना है। फिर हेयर की एंड पर रोलर को प्लेस करके रोल करना है और लास्टली कैप को लगा देना है रोलर को सेट करने के लिए। बिल्कुल इसी प्रोसेस से सभी हेयर को रोल करना है। पहले हेयर को सिलेक्ट करना है, फिर डैम्प करना है, फिर कॉम करना है, उसके बाद रोलर लगाकर लॉक कर देना है हेयर को। रोलर को हेयर पर सेट करने के बाद इसे मिनिमम 4 आवर्स तक रखना है या फिर आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए। फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एंड आई हैव चेंज्ड माय स्वेटर बिकॉज़ दैट वाज अ ब्लैक स्वेटर and my hair is also black, so you can't find the differences. Ooh, I can't talk properly because I'm feeling so cold. And now I'm going to open the rollers. पहले रोलर खोलने के बाद फ्रेंड आप देख सकते हैं कि सिर्फ 2 घंटे में ही कितनी अच्छी कर्ल हो गई मेरी हेयर। मुझे ये वीडियो बनानी थी तो मैं जल्दी रोलर खोल दिया, बट आपको मिनिमम 4 आवर्स तक इस रोलर को हेयर पर रखना है। सारी रोलर खोलने के बाद मेरी हेयर कुछ इस तरह दिख रही है। फ्रेंड्स, एक तरफ की हेयर कर्ल है और दूसरी तरफ की हेयर स्ट्रेट है, तो आपको डिफरेंस नज़र आ रही होगी। कर्ल की हुई हेयर में काफ़ी वॉल्यूम आ गई और वो भी दिख रही है हेयर। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि कितनी आसानी से आप हेयर रोलर्स यूज कर सकते हैं आपकी हेयर को घर में ही कर्ल करने के लिए। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।